Very good morning, class third students. I am your English teacher. Today is date third of September, two thousand twenty-one, and day is Friday. So dear student, today we are going to uh, start from part H of chapter number three, and the name of the chapter is Nouns. Okay, page number twenty-five. Okay, part H. Write a common noun. राइट अ कामन नाउन फॉर ईच ऑफ दी गिविन प्रॉपर नाउन्स यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स दिए है इनके हमें क्या लिखने हैं कॉमन नाउन्स लिखे लिखने हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक दिया है दिल्ली दिल्ली क्या है एक प्रॉपर नाउन है ठीक है फिर सी टी सी टी क्या हुआ एक कॉमन नाउन हुआ ठीक है दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है दिल्ली एक जगह का नाम है सिटी सिटी बहुत सारे सिटी हो सकते हैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर जगह का नाम नहीं लिख लिखा है इसीलिए ये कॉमन नाउन हुआ ये प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है उसी तरह आप हमें ये लिखना है ये गंगा गंगा रिवर है ठीक है फिर ये तो एक प्रॉपर नाउन हुआ फिर इसका कॉमन नाउन क्या होगा uh? रिवर होगा रिवर बहुत सारे रिवर है ठीक है फिर रिवर क्या हुआ कॉमन नाउन हुआ ठीक है आर आई वी ई आर रिवर ये क्या हुआ ये कॉमन नाउन हुआ और ये प्रॉपर नाउन फिर थर्ड है रीता रीता एक लड़की का नाम है ठीक है रीता एक प्रॉपर नाउन हुआ एक पार्टिकुलर एक लड़की का नाम है लेकिन हम क्या लिखेंगे कॉमन नाउन गर्ल लिखेंगे गर्ल लड़की हुआ लड़की कॉमन हुआ ना यहाँ हम लिखेंगे गर्ल ओके okay. फिर उसकी बात है डॉक्टर रॉय डॉक्टर रॉय क्या हुआ एक पर्सन हुआ ठीक है ये एक पर्सन एक का नाम है लेकिन इसको कॉमन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे अ पर्सन या फिर अ मैन लिखेंगे ठीक है यहाँ हमने लिखा अ मैन ओके डॉक्टर आप फिर जापान जापान एक कंट्री का नाम है ठीक है फिर इसका कॉमन नाउन क्या होगा कंट्री होगा ओके जापान का हुआ जापान एक प्रॉपर नाउन है और कंट्री हुआ कॉमन नाउन ओके उसी तरह संडे का क्या होगा संडे एक हफ्ते में से एक हफ्ते में एक दिन का है ठीक है संडे फिर पूरे हफ्ते को हम क्या बोलेंगे वीक ओके ये क्या हुआ कॉमन नाउन हुआ ओके अब उसी तरह हमने यहाँ सबको लिखा है संडे का क्या आएगा वीक आएगा कैडबरी कैडबरी क्या है एक चॉकलेट है फिर इसका ये एक प्रॉपर है और ये चॉकलेट बहुत सारे होते हैं फिर ये कॉमन हुआ ठीक है जुलाई एक महीने का नाम है फिर पूरे मंथ मंथ हुआ यहाँ क्या लिखेंगे मंथ ओके मंथ बहुत सारे मंथ हो सकते फिर ये कॉमन हुआ अर्थ अर्थ हुआ एक प्लानेट में से एक का नाम ठीक है फिर प्लान हुआ बहुत सारे प्लान ठीक है एशिया एशिया एक एक कॉन्टिनेंट का नाम है कॉन्टिनेंट बहुत सारे कॉन्टिनेंट है फिर एशिया कॉन्टिनेंट आएगा ठीक है ये एक प्रॉपर नाउन है दिवाली दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं उसी तरह एवरेस्ट का आएगा माउंट ओ यू एन टी सहारा का आएगा डिजर्ट मिसिस शर्मा का आएगा अ वूमेन ओके नाउ टर्न नेक्स्ट पेज अब यहाँ देखो पार्ट आई राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द गिविन कॉमन नाउन हमें क्या लिखना है यहाँ पर दिए हुए राइट आ प्रपर नाउन हर एक यहाँ पर कॉमन नाउन है इनके एक प्रॉपर नाउन हमें लिखने हैं ठीक है, है? यहाँ पर कार है ठीक है कार तो कार कॉमन हुआ बहुत सारे कार होते हैं हमें एक कार का नाम लिखना है जैसे हम लिखेंगे मारुति ठीक है मारुति एक एक कार का नाम है ठीक है एक प्रॉपर गाड़ी का नाम है ठीक है एम ए आर यू टी आई मारुति एक गाड़ी का नाम है ठीक है उसी तरह शॉप शॉप तो बहुत सारे शॉप होते हैं फिर हम एक शॉप का नाम लिखेंगे स्वीट शॉप मिठाई का दुकान क्या ये एक प्रॉपर नाउन हुआ ठीक शॉप हुआ कॉमन नाउन और स्वीट शॉप क्या हुआ एक प्रॉपर नाउन ठीक है बुक बुक बहुत सारे बुक होते हैं ठीक है फिर हम एक बुक का नाम लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे कुरान ठीक है ये क्या हुआ एक प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है जैसे इंग्लिश हुआ एक इंग्लिश ठीक है ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है यहाँ लिखा हमने कुरान ठीक है बुक का फ्लावर फ्लावर बहुत सारे फ्लावर होते हैं और इसको इसका एक प्रॉपर नेम क्या लिखेंगे फ्लावर बहुत सारे एक फ्लावर का हम लिखेंगे जैसे लिली फ्लावर ठीक है लिली फ्लावर लिली फ्लावर क्या हुआ एक प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है ये एक ही फूल का नाम आया प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है फिर उसी तरह होटल होटल बहुत सारे होटल होते हैं फिर हम एक होटल का नाम लिखेंगे उसी तरह बिल्डिंग बिल्डिंग बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं हम एक बिल्डिंग का नाम लिखेंगे ठीक है यहाँ हमने एक होटल का नाम लिखा ताज होटल ये प्रॉपर नाउन हुआ और बिल्डिंग का अ वाइट हाउस ठीक है ये प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है अब उसके बाद है पार्ट जे फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नाउन इन यहाँ इन ब्लैंक्स को हमें फ़िल करना है प्रॉपर नाउन लेके हमें फ़िल करना ठीक है फर्स्ट डेज डेज इज़ माय बेस्ट फ्रेंड आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम जो भी है वही लिखना है। जैसे मैं लिखूँगी फ़ातिमा ओके फातिमा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड ये क्या हुआ एक प्रॉपर नाउन एक लड़की का नाम आया ठीक है फ़ातिमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ये प्रॉपर नाउन आया सेकेंड डेज डिज इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट आपका कौन सा फेवरेट जैसे खो खो क्रिकेट जो भी होगा वो लिखना ठीक है अब यहाँ देखो खो खो इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट गेम है वो क्या है खो खो है ठीक है इसके बाद थर्ड टीचर टीच मी मेरी जो टीचर मुझे पढ़ाती है इंग्लिश या आप अपने कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हो आई सेलिब्रेट मैं मनाती हूँ ईद या कोई भी फेस्टिवल लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर लिखना है उस एक मतलब जो भी फेस्टिवल आप मनाते हो उसका नाम लिखना है ठीक है ड्यूरिंग वैकेशन आई वॉन्ट टू विजिट छुट्टियों में मैं कहाँ घूमना चाहती हूँ मैंने लिखा कश्मीर आप जहाँ जाना चाहते हो आप वो लिखोगे लेकिन प्रॉपर नाउन होना चाहिए ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो आप लोगों को ये अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है और लिखना बुक पे ही लिखना है ठीक है लेकिन अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आपके यू थ्री के सिलेबस में ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू